पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद अक्सर भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देते आए हैं। अब जावेद मियांदाद ने भारत को एक खतरनाक देश बताते हुए दूसरी टीमों को भारत में क्रिकेट नहीं खेलने की सलाह दी है। दरअसल मियांदाद ने पाक पैशन से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने ICC को मैसेज भेजकर कहा है कि आप कृपया करके दूसरे खिलाड़ियों को भारत में आकर खेलने नहीं दें और अप्रैल में होने वाले IPL 2020 से सभी विदेशी खिलाड़ियों को बायकॉट करने के लिए कहा जाए। जावेद मियांदाद ने आगे कहा कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आकर बता दिया है कि यहां किसी भी तरह का खतरा नहीं है, इस वजह से मैं दूसरे देशों से भी अपील करना चाहूंगा कि वह भारत के स्थान पर पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलें और दूसरे खेलों में भाग लें। इसके साथ ही मैं ICC से भी अपील करना चाहूंगा कि वह भारतीय टीम पर दूसरे देशों में जाकर खेले से भी रोक लगा दे। बहरहाल मौजूदा समय में भारत में जगह जगह पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर मियांदाद ने कश्मीर का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर में भी जिस तरीके से वहां के पंडितों और मुस्लिमों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वह साफ दर्शाता है कि भारत में एक असुरक्षित देश है। मियांदाद ने आगे कहा कि पाकिस्तानी की यह गांठी है कि वह दूसरे देशों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगा, दूसरे देश यहां कर आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको बता दें कि जावेद मियांदाद भले ही भारत को एक असुरक्षित करार दिया है, दुनिया भर में भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश की है और यहां पर आने वाले लोगों की भारतीय लोग काफी बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। इसकी तारीफ भी विदेशी लोग करते आए हैं। IPL के दौरान भी दूसरे देश के खिलाड़ियों को भी हमेशा ही भारत को दूसरे देशों से बेहतर बताया है। इसके अलावा IPL के दौरान भी विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी भारतीय क्रिकेट फैंस जमकर चीयर करते हुए नजर आते हैं।